हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से निकल कर आ रही है। कोई भी एप्लीकेशन फ्री रखा गया है। इसमें आप लोगों को सैलरी 65,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि वेबकॉस लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर्स का रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स का रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है क्वालिटी कंट्रोल सिविल के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 52 है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स रहा गया है। और नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एनवायरमेंटल और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए आप लोग को सैलरी 65,000 पर मंथ मिल जाएगी। और कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए आप लोग को सैलरी 50,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें आप लोग का जॉब लोकेशन झारखंड पे रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है, जिसको आप लोग को अच्छे से फिल करना है। और फिल करने के बाद उसके साथ आपका जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका स्कैन कॉपी, उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, और PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, और उसके साथ आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका स्कैन कॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी आप लोग को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक सिंगल PDF बनानी पड़ेगी। और जिस PDF को आप लोग को इसका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी इसमें मेंशन है, आप लोग को उसी ईमेल आईडी पे 8 अक्टूबर 2022 से पहले मेल सेंड करना होगा। और मेल सेंड करने के टाइम आप लोग को सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम, ये मेंशन करने के बाद आप लोग को मेल को सेंड करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग इसी फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, जिसमें फर्स्ट आप लोग को एक रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहीं पर अटैच करना होगा। उसके बाद आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम आप लोग को यहीं पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आपको आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल्स यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको आपका लैंग्वेजेस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना है। नेक्स्ट आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस विथ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप लोग को यहीं पे फिल करना है। उसके साथ आपको आपका पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर का डिटेल्स यहीं पे फिल करना होगा। और ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छे से फिल करने के बाद इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस किया हो उस डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज आप लोग को अटैच करके एक सिंगल PDF बना के इसका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी नोटिफिकेशन पे मेंशन है आप लोग को उसी ईमेल आईडी पे 8 अक्टूबर 2022 से पहले मेल सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी।
आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।